वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। चिल्ड्रन वीडियो को देखते ही लाइक कर दो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लेंगे उनको मिलने वाले हैं ये वाले प्राइजेस। एक छोटा सा MCQ बेस्ड टेस्ट देके उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये सारे प्राइज हैं और इस टेस्ट को आप अभी के अभी दे सकते हो। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हो, ICSE के हो, चाहे स्टेट बोर्ड के हो। अगर आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं पे भी मिस मत करना और ये वाले प्राइजेस आप जीत सकते हो। उससे पहले चिल्ड्रन मैं बता दूं आपको, कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं CBSE की तरफ से और सबसे पहला और सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि अभी भी आप अपने इंटरनल मार्क्स, यस, जो आपके इंटरनल एग्जाम्स हुए थे, मतलब जो प्रैक्टिकल हुए थे, जो असेसमेंट मार्क्स स्कूल भेजता है CBSE को, अभी भी आप बढ़वा सकते हो। सर ये कैसी बात कर रहे हो सर, अभी भी हम बढ़वा सकते हैं, हम चाहे हम क्लास 10th में हो या क्लास 12th में। यस चिल्ड्रन, CBSE ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें CBSE ने सारे स्कूल्स को एक मैसेज किया है कि अभी तक बहुत सारे स्कूल्स ने, CBSE ने स्टार्टिंग में ये वाली बात कह दी थी कि भैया हमें जो भी आपका असेसमेंट मार्क्स हैं, असेसमेंट की जो मार्क्स हैं वो भेज दो, लेकिन CBSE ने एक लिस्ट जारी किया, अभी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने असेसमेंट मार्क्स, क्योंकि आपको पता है जैसे 40 मार्क्स का आपका पेपर हुआ है और 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, जो कि स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत सारे स्कूलों ने अभी तक वो मार्क्स ही नहीं भेजे। जब तक वो मार्क्स वहाँ जाएंगे नहीं, रिजल्ट कैसे बनेगा? तो अब स्कूल के पास दोबारा एक चांस है कि आपके 10 में से 10 रखने का, 10 में से 9 रखने का, तो अच्छे से अपने टीचर से बात कर लो, स्कूल में जाके बात कर लो, पेरेंट्स को ले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो अगर आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा एक इफेक्ट पड़ने वाला है आपके रिजल्ट पे। तो ये तो है पहली खबर। दूसरी खबर की अगर बात करूँ चिल्ड्रन, तो ये रिजल्ट ये है आपके इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए। CBSE ने कॉपी करेक्शन का काम बहुत तेजी से कर रखा है, ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी बनाने की बात चल रही है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो रिजल्ट का जो फाइनल निकल के आ रहा है वो यही है कि जुलाई के स्टार्टिंग में आपका, या जून के लास्ट में जो आपका रिजल्ट है वो आने की उम्मीद है। और इसके बाद चिल्ड्रन अनअकैडमी लेके आया है, अनअकैडमी एम, अगर आप 6 से लेके 12th में हो, 30 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट देके जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, बस आपको चार ऑप्शन मिलेंगे ABCD, बस आपको टिक करना रहेगा, और अगर आप टॉप रैंकर बनते हो तो आपको 1,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। चिल्ड्रन 1,00,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, छोटी मोटी रकम नहीं होती, प्लस आपको प्राइजेस जीतने का मौका मिल रहा है। सर इसके लिए हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ध्यान से सुन लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वहां पे आपका नाम, क्लास, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस डाल देना है। जब इतना काम हो जाए, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये वाले स्टेप आपको फॉलो करना। जो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद हो सकता है वो आपसे कोई कोड मांगे या एनरोल कोड मांगे, तो कोड में आपको फिल कर देना है Lakhan02, LAKHAN02, ठीक है, जहाँ पे भी वो आपसे कोड मांगता है, ये कोड जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये आप फिल कर दोगे और आपका एनरोल हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी के अभी आप इस टेस्ट को दे सकते हो और प्राइज जीत सकते हो। अपने आपके घर में छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, रिलेटिव, फ्रेंड्स को भी अगर आप दिलवाना चाहते हो तो उनके फ़ोन से आप उनको भी दिलवा सकते हो और ये प्राइज और स्कॉलरशिप जीत सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड कर लोगे, कौन सा ऐप? अनअकैडमी लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, और जब आप फिर आपको इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले वो आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आप डाल देंगे अपना फ़ोन नंबर और नीचे यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है एनरोल फॉर फ्री, इस पे आप क्लिक करेंगे। चिल्ड्रन अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है, तो जहाँ लिख रहा है एनरोल फॉर फ्री तो आप इस पे जाओगे और क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद चिल्ड्रन आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। ऊपर दिखाई देगा 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12th, तो जो भी आपकी कैटेगरी है, सपोज करो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ आपकी कैटेगरी 10th वाली है, तो आप 10th वाले पे जाके क्लिक करोगे। जैसे ही मैं 10th वाले पे क्लिक करूंगा तो दो इंटरफेस इस तरह के दिखाई देंगे, क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए।
सपोज मैं क्लास टेंथ का स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या करना है, क्लास टेंथ वाला टेस्ट देना है, तो मैं टेंथ वाले पे जाऊँगा, गो टू टेस्ट पे और क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं गो टू टेस्ट पे जाता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हो सकता है, क्योंकि ये मैंने पहले ही किया हुआ है, नीचे की तरफ एक इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा। वो कहेगा कि आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे छोटी सी एक विंडो बनी आएगी, उस पर वो टिक करने को बोलेगा, तो वहाँ पे टिक कर देना और आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बस MCQ बेस्ड हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके बस आपको, जैसे मान के चलो मुझे लगता है ये आंसर है, तो बस मुझे इस पर टिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक हो गया, ठीक है। सेव करना है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, हर क्वेश्चन को आप करने के बाद सेव करते जाओगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये मैंने कर दिया इस पे क्लिक, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो इसी तरह से बस हमें 15 क्वेश्चन करने हैं, 30 मिनट का हमें टाइम मिलेगा, तो जल्दी से ये टेस्ट दे दो और स्कॉलरशिप और प्राइज़ आज के आज ही आप जीत सकते हो।